एग्जिट पोल के नतीजे अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है, इस तरह गिरावट की ओर जा रही है। कहां 75 की बात करने वाले, कहां 68-70 की बात करने वाले, कहां 68 सीट जीतने वाले, और इनका ग्राफ यदि देखेंगे तो उसको गिर के नीचे यदि आप देखोगे तो 40 और 42 में आके रुक रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें, और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48-46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है 48, और ये 48 में रुकने वाला नहीं है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी